तंदूरी एलिमेंट दूंगा। तंदूरी एलिमेंट किससे आएगा? चारकोल से। पिज्जा की जान मोज़रेला। सही बात है। खोलिए मधुर भाई। ओहो कमाल। तो गाजियाबाद में आ चुके हैं भाई सेकंड पप्पू। मोमोज ग्रिल कर दिया आपने? हाँ। क्या बात है यार। ये है तगड़ी वाली प्रेजेंटेशन। बड़े बड़े कैफेज में ऐसा नहीं मिलता। और एक चीज और, ये सारा कितने रुपए में? 350 रुपए में सब? 350 राम राम जी, स्वागत है आपका फूडी साउंड पर। दोस्तों हम आ चुके हैं RDC राजनगर, द पिज्जा वाले कैफे के जस्ट बाहर है। द पिज्जा वाला मधुर भाई ने स्टार्ट करा है शर्मा जी के साथ मिलकर। और गाजियाबाद का टूर जब करवाते हैं ना तो हमेशा मधुर भाई हमारे साथ होते हैं। यहाँ पर है अनलिमिटेड 349 रुपीज़ में। यहाँ पे आप पूरा मेन्यू ले लीजिए, जो आपको लेना आप वो लीजिए पर पर्सन, और ट्राई करिए। देखते हैं आपका फूड कैसा है, हम रिव्यू देते हैं आप। बाकी वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर है बहुत गर्मी और अंदर लगा हुआ AC। आइए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधुर गर्ग। आपने मेरे को फूड इशान चैनल पे 8-10 बार 12 बार देख लिया होगा अब तक। और मैं हंगर बाइट कैफे चलाता हूँ। बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, हंगर बाइट्स ही नहीं है अब हमारा, एक दा पिज़्ज़ा वाला ब्रांड की शुरुआत हुई है, जिसके ऑनर हमारे देव शर्मा जी हैं। और ये हमें YouTube फैमिली, जो आपकी ऋषभ भाई हैं उनकी YouTube फैमिली से मिले हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। भाई को मैंने काम सिखाया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक महीने में भाई बिल्कुल प्रो लेवल पे आ गए हैं। अगर आप फूड के लिए पैशनेट हैं, आपको काम करना है, आप बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो कि आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, काम सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मधुर भाई भैया का, फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फूडी सांड टीम का जो हमको कवर कर रही है आज। फूडी सांड की ही वीडियो से मधुर भैया के थ्रू मिला हूँ, टच में आया, कॉन्टेक्ट में आया। उसके बाद मेरे को काम कुछ भी नहीं आता था, मधुर भैया ने मुझे सब सिखाया। उसके बाद मैंने काम सीख लिया, भैया ने सिखा दिया, बहुत बढ़िया काम सिखाया। डिक्टो जो चीज़ सिखाई है मैंने ना, वो चीज़ बिल्कुल भाई ने मेरे को निकाल के दी है। इसीलिए दा पिज़्ज़ा वाला ब्रांड हमने एक स्टार्ट करा। और भी भाई हमारे साथ में जुड़ेंगे, जैसे कि आपकी फैमिली से वैसे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भाई दा पिज़्ज़ा वाला की शुरुआत अब हो चुकी है और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट भाई जो हैं, जो अभी आगे इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि भाई हम होटल मैनेजमेंट करेंगे या हम शेफ़ इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करेंगे, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो मैं काम सिखा रहा हूँ, जो मैं काम करवा रहा हूँ, उसका मैं 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको 349 में पूरा मेन्यू आपका, आप जो मंगाना है, जो खाना है, आप अपनी जेब के हिसाब से नहीं, आप अपने पेट के हिसाब से खा सकते हैं। जैसा कि मेरे को पसंद है खिलाना, जैसा आपने प्यार हंगर बाइट को दिया था, बिल्कुल वैसा ही प्यार मैं अब दा पिज़्ज़ा वाला पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। दा पिज़्ज़ा वाला पे अगर आप आएंगे तो आपको हंगर बाइट जैसा ही टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल सेवा का हमें मौका दें, सही है, आपको बहुत अच्छा फूड हम सर्व करने वाले हैं। भैया देख सकते हैं आप, ये डो हमारे फ्रेश रहते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडों में भी आपको फ्रेश डो देखने के लिए नहीं मिल पाएंगे। ये बस सही कह रहे हैं यार, एक्चुअली काफ़ी बड़े बड़े कैफेज में जा चुका हूँ लेकिन फ्रेश डो पे काम नहीं चल रहा वहाँ पर। भैया फ्लेवर जो है ना पिज़्ज़ा का, हाँ वो फ्रेश डो में ही है बिल्कुल। और शर्मा जी, ये अंदर ये कुछ और भी दिख रहे हैं, इसमें क्या अपने सीजनिंग? इसमें हमने अपने कुछ पार्सले है, ओरिगेनो है, सीजनिंग है। अच्छा। उससे ब्रेड भी जो होती है वो शादी खाने में भी अच्छी लगती है, जैसे गार्लिक ब्रेड होती है, मतलब इसमें भी टेस्ट आ जाता है। ठीक है भाई, ऊपर रोलर चलता हुआ। अच्छा ये भैया आपका बन रहा है तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा जी, सही है। ऊपर से आगे पिज़्ज़ा सॉस, ये सारी यहाँ पे चीज़ें ब्रांड की यूज़ हो रही हैं। हाँ भाई, और ये ऊपर से कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं बाहर की तो भैया क्वालिटी की ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो वीवा की ही लिक्विड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और सॉस भी वीवा की आप यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा की? सब भाई, पिज़्ज़ा सॉस वीवा का है, लिक्विड चीज़ वीवा का है, जीरो मेयोनीज़ का मेरा यूज़ है, सिर्फ बर्गर में जाती है। ओके। वो भी स्टार्टिंग वाले बर्गर में। ठीक है, तो ऊपर से आगे भाई वेजिटेबल्स, अनियन, ये तंदूरी कौन सा बताया था आपने? ये तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, और आपको तंदूरी एलिमेंट दूंगा। ओके। और तंदूरी एलिमेंट किससे आएगा? चारकोल से। और ये ऊपर से आगे भाई तंदूरी,
थोड़ा सा मैरिनेशन करते हैं। वैसे हम करके पहले से रखते हैं पर आपके लिए दिखा रहे हैं कि एक्चुअल हम मैरिनेट क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा जाएगा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जाएगा पेरी पेरी मिक्स हब, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर हमारा ओरिगेनो, हल्का सा तंदूरी सॉस जाएगी, थोड़ा सा चिली गार्लिक। पहले इसको मिक्स करेंगे, चीज सॉस डालेंगे ब्लेंड। टिक्का के अंदर जो फ्लेवर आता है ना मखनी सा, जिसको हम अमूल बटर के साथ में बनाते हैं या किसी भी बटर के साथ में बनाते हैं, अभी आपकी वो चीज बनी है। पिज्जा की जान मोज़रेला। सही बात है, इसके बिना तो पिज्जा अधूरा है। आरडीसी में बर्फबारी हो गई है। बिल्कुल। अच्छा मोज़रेला वगैरह कौन से ब्रांड की रहती है? मोज़रेला भाई गो यूज करते हैं। ठीक है, गो और अमूल मिक्स करके करते हैं। अच्छा, गो के अंदर टेस्ट अच्छा है, अमूल के अंदर पिज्जा में चीज पुल अच्छा आता है। मैरिनेटेड पनीर ऊपर से कैप्सिकम, बिल्कुल ऐसा ही फील आएगा जैसे आप पनीर टिक्का ही खा रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है काफी चीजें दिखने वाला है निकलते टाइम, है ना। और ये देखिए भाई, लग रहा है यार कमाल लग रहा है। क्या पेड़ का तना लगा दिया आपने? और वैसे भी कहते हैं कि भाई जब खाना होता है ना, वो आधी पेट तो आपकी आंखें भरती है पहले, उसके बाद आधा काम पेट का है। वो स्मोकी फ्लेवर ये आपके सामने है। अरे जितना भी एलिमेंट है वो आपका इसके अंदर आ चुका है, ये देखिए। क्या बात है, कमाल। और भाई पूरा मतलब किचन भी महक रही है कोयले से। गारंटी कर रहा हूँ आपको, आज से पहले इस रेट में और नहीं मिली होगी। अच्छा, ये भी अनलिमिटेड है? सब कुछ अनलिमिटेड है, पूरा मेन्यू उठाओ, जो खाना खाओ। चलिए, और ये स्मोकी पिज्जा आ चुका है अपना, खोलिए मधुर भाई। ओहो कमाल, क्या पिज्जा लग रहा है भाई, ये कमाल लग रहा है। और बिल्कुल एक्चुअली तंदूरी फ्लेवर आपको मिलने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। एरोमा ऐसी आई, बड़ी तगड़ी सी खुशबू, और पिज्जा का एक बार लुक देखिए आप। तो यहाँ पे अपना ये बुर्ज खलीफा बर्गर है ना आपका? जी भैया। ठीक है, ये सबसे पहले गार्लिक सॉस है, चिली गार्लिक। ठीक है, और इसमें मेयोनीज जाती है आपकी, है ना जी? ये डॉक्टर वेट करके, सही है। मेयोनीज भी अगले ऐसी मिलेगी मेरे पास में। अच्छा, क्योंकि मैं खुद नहीं खाता तो मैं खिला कैसे? ठीक है, ये ऊपर से प्याज टमाटर। बुर्ज खलीफा मतलब सुन के लग रहा है साइज में काफ़ी बड़ा होगा बर्गर। जी भैया, ट्रिपल लेयर, ट्रिपल इसमें पैटी होगी। अच्छा, और भाई ये ऊपर से आ गई चीज़ स्लाइस, ये कौन से ब्रांड यूज़ करते हैं? अमूल की है भैया। अमूल की है जी। ठीक है, ये ऊपर से लेट्यूस आ गई भैया। सही है, सॉस लगा देते हैं, दोबारा से एक और लेट्यूस रखेंगे, एक पैटी और आएगी। ठीक है, और फिर आ चुका है यहाँ पे अपनी चीज़ की एक और स्लाइस, ट्रिपल पैटी। भाई जी, ये तो आपका मन नहीं है अनलिमिटेड खिलाने का, है कि एक बर्गर खाए बंदा और शांत हो जाए? नहीं भाई, खाने वाले बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, आपका भी हमने चैलेंज देख रखा है, एक मिनट वाला। भाई ये बुर्ज खलीफा बर्गर है, ट्रिपल पैटी वाला, और मुझे लग रहा है कि खाने के बाद तो कुछ और खाने का मतलब रहेगा नहीं। और भाई बर्गर देख लो एक बार, ये रेडी हो चुका है? हाँ भाई। ठीक है, निकाल दीजिए फिर। बहुत फिल लग रहा है, बिल्कुल चीजी। थोड़ा दूर करो ना भाई, कैमरे में डालोगे क्या? तेरे को सीधा खिलाना चाहते तेरे मुंह में। और ये ऊपर से आ गई फ्राइज, कॉम्बो बनाया है। अच्छा, मतलब बर्गर लोगे तो फ्राइज आपको मिलेंगे साथ में? हाँ, ये वाला अगर आप बर्गर लेते हैं तो आपको फ्राइज मिलने वाला है। ये सारा स्नैक्स में आपका? ये हमारा स्नैक्स का प्लेटर है। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हमारे आएंगे पनीर मोमोज, वेज मोमोज, और एक ये छोटा सा पंजाबी समोसा। अच्छा, और उसके बाद में ये हमारे चिली पॉप्स। अभी इसके अंदर हम टॉप अप करेंगे आपका पेरी पेरी फ्राइज के साथ। सही। ये इसको हम 149 में दे रहे हैं ओनली। अच्छा, 149 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो भाई यहाँ पे क्या बनना रेडी हो रहा है अब? भैया बनना है चीजी ग्रेवी मोमोज। ठीक है, इसके बाद ये तंदूरी, थोड़ी सी चिली गार्लिक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, थोड़ा सा इसके अंदर रिच एंड क्रीम शेजवान सॉस। अच्छा, ये ही किक करेगा पूरी डिश को। अच्छा, ये ग्रेवी मोमोज बन रहे हैं। सही है, जो बस। हाँ, ये पनीर वाले हैं, पनीर वाले। ग्रेवी में पनीर ही है, वेज भी ले सकते हैं? वेज भी ले सकते हैं। तो सीजनिंग आ रही है ऊपर ओरिगैनो, ड्राई ओरिगैनो, हल्का सा पेरी पेरी, थोड़ा सा जाएगा मिक्सअप,
थोड़ा सा जाएगा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मोजरेला भी इसके अंदर डालेंगे ताकि चीज़ी ग्रेवी बने और ठीक हो जाए। सर ये पूरा मिक्स होते हुए ग्रेवी में, मोमोज का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, बड़े साइज के मोमोज है पनीर वाले। चीज़ पुल दिखाऊँ क्या? ये लो भाई क्या बात है, और दिखाऊँगा ये लो। तो भाई एक हमने ले लिया अपनी कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा ये अनलिमिटेड में शायद नहीं बताइए आपने, है ना? ये अनलिमिटेड में नहीं है, ये हम आपको वन टाइम देंगे। अच्छा तो भाई आइसक्रीम आ चुकी है, कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम में रहेगी आपकी? कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम में रहेगी, ये आपका आ गया फ्रैपे। सही है, ये कौन से ब्रांड का यूज़ करते हैं? सब वीवा का है। अच्छा टेस्टी पिक्सल। अच्छा पप्पू जूस वाले बहुत सही यार। देखो पप्पू जूस कॉर्नर तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, जो है द पिज़्ज़ा वाला दिखा सकता हूँ। ये लो जी, तो गाज़ियाबाद में आ चुके हैं भाई सेकंड पप्पू, मतलब मधुर भाई। पप्पू पप्पू नाम अच्छे नहीं लगते मुझे वैसे। भाई कितने फीट की होगी? 4 फीट की धार निकाल दी। बहुत गजब भाई। और भाई ये कमाल लग रहा है, तो आप 0 डिग्री वाली बात लग रही है कुछ। ये फिल्टर राइस यूज़ करोगे? फिल्टर राइस कंपनी की भाई, आपके सामने देखो आँख मार रही है। सही। और ये बस इतना जाएगी, अब चलेगी बुलेट ट्रेन। अच्छा दिखाऊँ कहाँ से चलेगी? ये देखो भाई प्रेजेंटेशन तो पूरा वर्क कर रहे हो यार। भाई वही मिलेगा आपको जो सी पे जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो। और ये लो ये आ गया आपकी कोल्ड कॉफ़ी, इतनी थिक कोल्ड कॉफ़ी देखिए ऋषभ भाई अपने लोकल में। इसको हम कंप्लीट करेंगे विद आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस। जैसा गुड़ की दुकान पर आप ततियाँ मिलते हैं ना, वैसा कभी कभी आ जाती हैं, पर हम कोशिश करते हैं ना है। सही सही। क्रिलर में क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा, सैंडविच ही हो सकता है। तो ये बनेगा मोमो, ग्रिल मोमो सैंडविच। अरे भाई मोमोज ग्रिल कर दिया आपने? हाँ क्या बात है यार, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं सच में। पूरा जो है शर्मा जी ने पूरा मील प्रिपेयर करा, मेहनत देखो भाई कितनी हुई है। बिल्कुल। और खा के बताओ और मेहनत सफल हुई है नहीं हुई वो आप ही बताओ। सही बात। तो भाई 3 कस्टमर हमारे साथ में थे यहाँ पे, मधुर भाई की पार्टी आज की तरफ से। मुझे बताइए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी है एक्चुअली। मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ। अच्छा चीज़ खा के तो बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा मुझे मोमोज बहुत चीज़ी मोमोज बहुत बेटर बनाते हैं। अच्छा ये वाले चीज़ मैंने आज तक कभी नहीं खाए, कहीं नहीं मिले मुझे। सही। चलिए भाई टेस्ट करते हैं। अच्छा एक बात और, आप मेरे बिल्कुल परम मित्र हैं, लेकिन मैं क्या है कि वो सामने जो है ना कैमरे के उधर, वो पूरा परिवार है। बिल्कुल। तो उनके सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ कोई चीज़ मुझे पसंद आए और उधर मैं बताऊँ कि मुझे पसंद आ रही है। भाई यहाँ पे मेरे को खुद ये बात पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज़ अच्छी ना लगे बता देना जी। हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल आप बताओ, नेक्स्ट टाइम आपको बेटर करके देंगे। सही। पिज्ज़ा वाला नाम है तो पिज़्ज़ा से ही शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों यार आप भी लीजिए, ऐसा शर्मा मतलब अब चालू हो जाओ बिल्कुल। ठंडा खराब कर दे। लो भाई पकड़ो, मधुर भाई आप भी लीजिए। सबसे पहला फ्लेवर भाई जो कोयले का आपने डाला है, वो जैसे कि मतलब बिल्कुल रोम रोम में बस गया। पूरे हर जगह से उसी की फील आ रही है। अच्छा इसमें कस्टमर को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भैया? कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक ही मिल सकती है, क्योंकि मॉकटेल के अंदर तो आपको ही पता लेमन वगैरह के स्लाइस होते हैं। हाँ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्राई करो, आपकी फैमिली ने भी शायद नहीं देखा होगा मोमो सैंडविच। सही। छोटे छोटे पीस है, एक पूरी बाइट पूरी एक बार में मुंह रखो, पूरा फ्लेवर पता लगे। अच्छा ओह एक्चुअली यार, और ये जो अपने मोमोज यूज करे ना, ये भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लग रहे हैं। पूरा वही स्वाद जो मतलब एक्चुअली वाले जो मोमोज में आते हैं, कोई कैफे वाले नहीं कि नाम के मोमोज अंदर स्टफिंग थोड़ा वो एक्स्ट्रा अच्छे भर देते हैं, बट वो स्ट्रीट वाला मजा नहीं आ पाता। एक एक क्यूट सा हमारा समोसा देखो आप। ये हमारे द पिज़्ज़ा वाला फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, पर बॉम्ब आइटम। पर इसके अंदर स्टफिंग तो चेक करें। अरे बिल्कुल आलू और मटर की है यार, पंजाबी समोसा है पूरा। पूरा भाई पंजाबी समोसा है। और एक ये मोमो चेक करो,
स्टफिंग में आप देखो कि इतना बड़ा मोमोज है तो अंदर कितना स्टफ है। बिल्कुल, चटनी काफी बढ़िया लग रही है मोमोज वाली, क्योंकि ये भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाई है आपने। ये मोमोज चटनी पहले हम सोच रहे थे कि इसको आउटसोर्स कर ले, क्योंकि थोड़ा सा इसको शेल्फ लाइफ इसकी कम होती है, पर लेकिन फिर हमने सोचा कि जब स्ट्रीट स्टाइल देना है तो वो फिर हम ही दे सकते हैं। फिर आगे इनके ग्रेवी मोमोज, इसको ट्राई करा जाए एक बार। ग्रेवी में आपने कहा था कि आपके पास वेज में भी ऑप्शन है, पनीर में भी ऑप्शन है, तो पनीर का साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है भाई। वेजिटेबल और पनीर, पनीर का थोड़ा सा हमने साइज भी बड़ा रखा है, दूसरा थोड़ा इसकी डिजाइन थोड़ा यूनिक सा लगे देखने में। फूड सारा अमेजिंग है, और बर्गर यार वो मेरा मन तो कर रहा है उसको देखकर खाने का, लेकिन वो बहुत लोडेड लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ। बर्गर आप ट्राई करिए ना, आप बताइए कैसा लग रहा है। तीन पैटी वाला बर्गर है तो मुझे दूर से देखकर थोड़ा भारी भारी से लगने लग गया अभी। सही, इसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ। ये घर में नहीं मिल पाएगा, बाकी सारी चीजें घर में बन जाएंगी। हाँ। ये नहीं बनेगा। सही, और हमारे भूतिया से मिलना तो सही है। और फाइनली इनकी सबसे बढ़िया चीज जो मुझे दिख रही है वो है इनकी कोल्ड कॉफी। यार ये प्रेजेंटेशन आपने जो करी ना, अच्छा दोस्तों ये सारा जो खाना है ना हमने बनाया उसके बाद रखा, तो इस खाने को नियरली 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया होगा, उसके बाद भी जो हमें टेस्ट आ रहा है हम आपको वो बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैकिंग करवाते हैं स्विगी जोमेटो से ऑर्डर, स्विगी जोमेटो है यहाँ पे, स्विगी जोमेटो सब कुछ अवेलेबल है, हमारा खुद का भी पोर्टल है। सही, द पिज़्ज़ा वाला का, वो आपको एक महीने के बाद स्टार्ट मिल जाएगा, सब कुछ प्रोसेसिंग में हमारा। ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी हम फ्रेंचाइजी के लिए भी जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ट्रेडमार्क और जितने भी लीगल हमारे चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम पूरी करवा रहे हैं, फॉर्मेलिटी हमारी पूरी हो रही है। बाकी अभी आपको यहीं आना पड़ेगा। अच्छा, स्विगी जोमेटो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाए, तो अगर आप इसको ऑर्डर भी करते हैं तो मुझे लग रहा है खाना आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो इस चीज़ की भी हमने टेस्टिंग यहाँ कर चुके हैं, बाकी आइए ट्राई करिए चीज़ी मोमोज, मुझे बहुत बढ़िया लगे। पिज़्ज़ा इनका अलग लेवल का था, अगर आप पनीर के फैन हैं तो ये पिज़्ज़ा आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। प्लस ये सारा खाना ना ऐसे कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी डालने में मजबूर हो जाएंगे, जैसे कि इसको खोलेंगे स्मोक निकलेगा, अभी तो थोड़ा टाइम हो गया, वरना वैसे गर्मा गर्म सिजलिंग फूड आपको सर्व होने वाला है। इसमें से कोई भी वैरायटी हम पैकिंग के लिए नहीं देते। अच्छा, प्लीज कोई कॉल ही ना करे, क्योंकि आप अगर कहेंगे मेरे को ये बुर्ज खलीफा बर्गर पैक करके दे दो, ये पहले ही इतना मैसी है ये आपके घर तक पहुंचते वो हो जाएगा कि जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप तक पहुंचे। आपको अगर इसका टेस्ट लेना है, आपको फ्लेवर लेना है, तो आपको आना पड़ेगा जी। अभी हमारे जो भूतिया महाराज हैं पैक करके तो दे नहीं सकते ना, इसके लिए आना पड़ेगा। सही है सही है। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें, और भाई और ज़्यादा कनेक्ट करें मधुर भाई से, पूरा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा कैफे खोलना चाहते हैं, कुछ भी आपको नीड हो, चाहे आपको सीखना हो काम, आपको अपने ही ब्रांड बनाना हो, आपको हमारा ना चलाना हो, तब भी आपका भाई अवेलेबल है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट बहुत अच्छे वीडियो में।